मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर जो है वो टाइप थ्री यानी कि कैले हैमिल्टन मैट्रिक्स के ऊपर लिया था, ठीक है। तो वो कैसे पहचाने आपको सबको पता ही रहेगा, दैट इज मैट्रिक्स में अगर सब जीरो आता ही है और नॉर्मली वेरीफाई करने को बोलते हैं तो आपको बस वेरीफाई करना रहता है कि वो आ रहा है कि नहीं है, ओके। तो वो तो टाइप थ्री है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप फोर, दैट इज डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। डेरोगेटरी कब होता है और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स कब होता है आपको अभी पता चल जाएगा। नोट मैंने लिखे हैं, तीन नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द लेस साइन, ओके। सो जब डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल लेस होगा किससे, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तब मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे कि डेरोगेटरी है। नॉन डेरोगेटरी हम लोग कब बोलेंगे, जब डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू साइन डाला है मैंने, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दैट इज नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। देन अगर आपका आइगन वैल्यूज जो है, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकालेंगे, सपोज वो अगर डिफरेंट है, ओके, डिस्टिंक्ट है, मतलब कि डिफरेंट है, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन डेरिवेटरी आएगा, ठीक है। अब ये मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें है पार्ट वन, टाइप फोर का पार्ट वन, दैट इज शो दैट दिस मैट्रिक्स ए इज डेरोगेटरी। मैंने आपको बताया था कोई भी सम हो, कोई भी टाइप हो, स्टार्ट आप ए की तरफ से करोगे, ओके। सो स्टार्ट तो आप ए की तरफ से करोगे, दैट इज आइगन वैल्यूज का, ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, थ्री बाय थ्री है इसलिए तीन, अननोन तीन, थ्री बाय थ्री इसलिए, बाकी सब सेम वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंट जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उससे माइनस लैम्बडा, ये तुम्हें हर वीडियो लेक्चर में बताते आ रहा हूं। देन इसमें ही अभी देखो इसका ये डिटरमिनेंट, ठीक है। सो कुछ नहीं, बस स्क्वायर बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिखने का डिटरमिनेंट, ठीक है। देन अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा इसका, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 7 + 7 + 4 = 18 लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आता है, 24 + 24 + 35। मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, ओके। इसका एडिशन क्या आएगा, ये देखो 48 + 35 लैम्बडा। हालांकि ये सब आप कैलकुलेटर से करना चाहिए तो इजी रहेगा, तो इधर 83 आया, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसमें आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको कुछ लैम्बडा का वैल्यू इस तरह से मिलेगा, 12 और 3 मिलता है, ओके। सो अभी देखो क्यूब है और आपको दो ही वैल्यू मिला, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो रिपीट करो, दैट इज थ्री वैल्यू फिर से रिपीट करो। अभी देखो 1 2 3 तीन वैल्यू मिला और इधर क्या है, पावर 3। अगर पावर 2 रहता तो दो वैल्यू मिलता तो ठीक है, अगर 3 मिलता है फिर भी आपको दो वैल्यू मिलता है तो लास्ट वैल्यू जो मिला है उसको रिपीट करो। मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इट इज मैट्रिसेस के। नेक्स्ट फिर करना क्या है आपको, लैम्बडा का वैल्यू अलग अलग लिखो। देखो इधर से अपना मेन टास्क चालू हुआ, ओके। फिर आपको करना क्या है, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू 12 जो लेना ही है, और जो भी डबल आया, क्या बोला मैं, जो भी डबल आया उसको एक ही बार लिखो, ठीक है। अगर सपोज ये तीनों भी अगर ये 12 की जगह इधर 3 होता तो मैं ये 3 जो है वो एक ही बार लिखता, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 3। अभी ये डिस्टिंक्ट है तो एक ही बार लिखा, ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिखा, दैट इज 3 और 3 है तो उसको एक ही बार लिखो। फिर इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक है,
शिफ्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलता है 15 लैम्डा प्लस 36, ओके। नेक्स्ट, और ये जो अपना रहता है एफ ऑफ लैम्डा, अभी सेकेंड स्टेप आपको करना क्या है, ये जो लैम्डा है ना लैम्डा ए में कन्वर्ट करो, दैट इज हर जगह जिधर लैम्डा दिखे उधर ए डाल दो, ए। इधर आई आता है, मैं आपको बताया था, इज लैम्डा में है और उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इस जो भी लैम्डा में कॉन्स्टेंट रहेगा उसको आई से मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इज वेन यू कन्वर्ट योर लैम्डा इंटू मैट्रिक्स, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, ओके। देन फिर वैल्यूज डालो, और कुछ नहीं, और मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर ए सब बताया था, ओके। सो मैं इधर अभी डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, फिर इधर देखो 105, ओके, माइनस 60, ओके, देन 36, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 36, इधर हालांकि 15 नहीं आएगा और इधर 36 नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट किया ना, सो 15 इंटू जो आपका ए मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, देन 36 इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर 1, 1, 1 रहता है, 36 मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये डायगोनल में जितने 1 रहेंगे वो 36 बन जाएंगे, बाकी एज इट इज, तो इधर 36 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। सो नेक्स्ट करते हैं, अभी तो इसका मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0, 0, 0। और हाँ, इतना याद रखना, मैंने आपको बोला था कि कायले हैमिल्टन मैट्रिक्स में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कैलसी पे कि वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज ये मैट्रिक्स, ओके। इधर प्लीज चेक वेदर इट इज जीरो और नॉट। अभी देखो इधर है ना, आपको कैलसी में वैल्यू एक एक पुट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो कैलसी में अगर आप ये सब पुट करोगे तो इधर यही वैल्यू आएगा, लेकिन फिक्स नहीं रहेगा कि आपका यही वैल्यू आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है, लेकिन कायले हैमिल्टन मैट्रिक्स में जो कि हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें यही आता है, दैट इज 100%, ओके। इसमें बस चेक करना चाहिए, इतना याद रखो। फिर लैमडा में कन्वर्ट कर दिया, लैमडा में है, ए में कन्वर्ट कर दिया, फिर ए की जगह अब एक्स डालो, ठीक है। सो ए की जगह एक्स, ए की जगह एक्स, ए हमेशा मैट्रिक्स रहता है, ए लैम्डा बाकी दैट इज ए हमेशा मैट्रिक्स रहता है, एक्स लैम्डा जो भी रहेगा वो आपका नॉर्मल इक्वेशन रहता है। सो अगर मैं मैट्रिक्स से उल्टा करूंगा, दैट इज मैट्रिक्स से मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, 36 आए है ना, तो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है, तो ये आए अभी निकल जाएगा, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। सो ये जो आपका है ना वो मिनिमल पॉलिनोमियल है, क्या है आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके। अभी आप क्या करेंगे, देखो सिंस डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, दैट इज एमपी लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, जो कि मैंने अभी ये बॉक्स किया है, उसका डिग्री क्या है, 2, फर्स्ट एलिमेंट का देखो, इज लेस देन द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी आप सबको पता ही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता क्या है, देखिए 3, तो इसमें से ये देखो फर्स्ट एलिमेंट का इधर डिग्री 3 है, इसके फर्स्ट एलिमेंट का डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैट्रिक्स जो है आपका वो डेरोगेटरी है, ठीक है। सो हालांकि मैंने देखो आपको इधर बताया है डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट डेरोगेटरी मैट्रिक्स,
बस वही मैंने इधर अप्लाई किया है, बस आपका सम हो गया, इतना ही आपका सम है। तो ये सम बहुत ही ईजी रहते हैं डेरोगेटरी के। बस आपको याद क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टेप है वो याद रखो। डिस्टिंक्ट आया तो एक ही लिखो, सेम आया तो सेम आया, सपोज इधर थ्री है थ्री है, दोनों सेम आया तो दोनों में से बस एक ही लिखने का है आपको, ठीक है। देन और क्या याद रख सकते हैं, इधर ये जो पार्ट है वो याद रखो। आपको प्लीज प्लीज चेक करना है कैलसी में वैल्यूज डाल के कि ये जीरो आता है कि नहीं, ओके। अदरवाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम में हमने देखा था डायरेक्टली जीरो लिखा तो भी चलेगा, 100% जीरो ही आने वाला रहता है क्योंकि अपने को वेरीफाई करना रहता है वो, ओके। इसमें आप कैलसी में वैल्यूज डालो फिर चेक करो, हमेशा ये जीरो नहीं आता। फिर ये एक मेन स्टेप है, पहले लैमडा में फिर ए में कन्वर्ट किया, दैट इज मैट्रिक्स में, फिर आप एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 36 में जो मल्टीप्लीकेशन विथ आई था वो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना कि मैट्रिक्स में, ठीक है। फिर आप ये पार्ट एक याद रखो, ठीक है, लेस देन आया तो डेरोगेटरी, बस आप इतना सब याद रखो आपको आ जाएगा। अभी पार्ट टू में मैं क्या लूंगा, अभी आपका ये सब इधर खत्म हो चुका है, पार्ट टू में मैं क्या लूंगा, इधर जो है वो होल जीरो नहीं आता, इसमें कुछ तो वैल्यूज आता है, तब क्या करने का है वो अब मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। देखो अपना जो है टाइप फोर चल रहा है, टाइप फिफ्थ अभी बाकी है, तो मैं टाइप वन में पार्ट वन पार्ट टू लिया था, टाइप टू में पार्ट वन और पार्ट टू ही लिया था, टाइप थ्री कैले हैमिल्टन थ्योरम था तो उसका भी एक ही टाइप था, इसके लिए पार्ट वन में ही खत्म हो गया वो। अब ये टाइप फोर है, इसमें भी पार्ट वन और पार्ट टू है, बस मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या लिया था। इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट टू के एंडिंग में दूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।